नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ एक हमारी स्टूडेंट यहाँ पे आई है। इन्होंने भी बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लिख करके आए हैं और इस वीडियो के माध्यम से मैं यह चाहता हूँ कि इनका जो भी डाउट है, जो कि एक लॉ स्टूडेंट के मन में है, इस वीडियो के माध्यम से उन तमाम लॉ स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देखेंगे उनके दिमाग में भी यदि इस तरीके का प्रश्न है तो ज़रूर उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया है। सबसे पहले तो मैडम से मैं जानना चाहूँगा कि अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं और उसके बाद आपका जो भी क्वेश्चन है उसके बाद आप पूछ सकती हैं। जी, माय नेम इज मेघा तिवारी एंड आई एम पर्सुइंग 3 ईयर LLB कोर्स फ्रॉम DU। और कुछ? आई हैव डन माय बैचलर्स फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटीज कॉलेज, IT कॉलेज। ओके, ठीक है। तो फिर क्या क्या क्वेश्चंस हैं आपके, आप बताएं हमें, एक एक करके पूछें और उस पर हम एक तरीके से डिस्कशन करेंगे। आपसे भी मैं कुछ सवाल करूँगा तो आप पहले क्वेश्चन पूछिए, उसके बाद हम उस पर डिस्कशन करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन क्या है? सो व्हाट इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट इंटर्नशिप्स? What is the right time to start internship? Internship क्या होता है, आप बताएंगे मुझे क्या समझते हैं internship से? जी सर, लाइक एडवोकेट या लॉयर्स के अंडर हम लोग जब काम करना सीखते हैं तो आई थिंक इन नॉर्मल लैंग्वेज वही होता है internships। राइट, बेसिकली इंटर्नशिप एक तरीके का प्रैक्टिकल जो नॉलेज आप गेन करते हैं। जैसे आप अभी यू आर इन फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर आपने कम्प्लीट कर दिया तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा क्या क्या पढ़ा? सो IPC, फैमिली लॉ, टॉट्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड ज्यूरिसप्रूडेंस, ये सब पढ़ा। तो ये सब आपने जो पढ़ा बेसिकली थ्योरी था। IPC में क्या क्या चीज़ें हैं, थ्योरेटिकल पार्ट आपने पढ़ा, लेकिन ये प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई होता है ये कहाँ से सीखोगे आप? ये इंटर्नशिप में सीखोगे, किस तरीके से प्रैक्टिकल चीज़ें होती है ये इंटर्नशिप में सीखते हैं हम। और इसीलिए लोगों को, बच्चों को जो लॉ स्टूडेंट हैं उनको इंटर्नशिप करनी चाहिए। नाउ योर क्वेश्चन इज कब से शुरू करनी चाहिए, राइट? यही क्वेश्चन है, कब से शुरू करनी चाहिए? देखिए, सिंपल है, लॉजिकल है। जब आप थ्योरेटिकल पार्ट को समझ लेंगे जितना रिक्वायर्ड है तभी तो आप प्रैक्टिकल करेंगे। यदि आप थ्योरेटिकल को नहीं समझते हैं, उसको सही से नहीं पढ़ा है और आप चले गए इंटर्नशिप करने के लिए, आप सीखेंगे ज़रूर, ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं सीखेंगे, लेकिन जो आउटपुट होगा उस रेशियो में नहीं होगा। जितना मेहनत आप करेंगे उस रेशियो में आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। तो मेरा सजेशन ये है कि जो बेसिक लॉज हैं, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपने IPC करा, CRPC अभी नहीं पढ़ा होगा, एविडेंस लॉ नहीं पढ़ा होगा, तो यदि आप क्रिमिनल लॉयर के साथ यदि आप इंटर्नशिप करेंगे तो यहाँ पे तो तीनों का यूज़ होता है, तो दो चीज़ आपने पढ़ा नहीं। तो मैं यदि कहता हूँ कि आप जाकर के इंटर्नशिप कर लो तो ऐसा नहीं है कि आप सीखोगे नहीं, कुछ ना कुछ सीखोगे ज़रूर, लेकिन होलिस्टिक लर्निंग, जो आउटपुट का रेशियो है वो ज़्यादा हो, उसके लिए ज़रूरी है कि बेसिक थ्योरेटिकल जो सब्जेक्ट्स हैं उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद कीजिए, ये ज़्यादा अच्छा होगा। तो आपको ये क्वेश्चन कहाँ से आया? क्या आपके आसपास वाले जो स्टूडेंट्स हैं क्या वो इंटर्नशिप कर रहे हैं अभी फर्स्ट सेमेस्टर के बाद? नहीं सर, बट डिस्कशन होता है जैसे, तो सीनियर्स वगैरह भी बात करते हैं इंटर्नशिप्स की एंड हम लोग भी सुनने को बहुत मिलता है कि इंटर्नशिप्स करनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है एंड देयर समथिंग लाइक मार्क्स भी मिलेंगे उसके बेसिस पे एंड सर्टिफिकेट्स, तो ऐसे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि कब से करनी है या तो वो नहीं समझ में आता है। मार्क्स जो है वो बाद की चीज़ है, आपका पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है मूट कोर्ट का, उसमें इंटर्नशिप करना कंपलसरी है, बट आई थिंक वो फिफ्थ सेमेस्टर में है, फिफ्थ या सिक्स में है, फिफ्थ में इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हाँ ठीक है, आपको यदि आगे लिटिगेशन में जाना है तो इंटर्नशिप करना फ़ायदेमंद है, कीजिए, लेकिन थ्योरेटिकल जो नॉलेज है उसको यदि आपके पास होगा तो आप ज़्यादा कुछ सीख पाएंगे कम समय में, अदरवाइज उसी चीज़ को सीखने में आपको ज़्यादा समय लगेगा। बात समझ में आ गया आपको? दूसरा क्वेश्चन पूछिए। शुड वी परस्यू LLM आफ्टर LLB एंड व्हाट इज़ बेटर, लाइक 2 ईयर्स LLM और 3 ईयर्स LLM? सो बेसिकली यू आर आस्किंग 2 क्वेश्चंस कि वेदर यू शुड गो फॉर LLM आफ्टर LLB, और ये यदि ऐसा करें तो 2 साल या 3 साल, तो व्हाई यू वॉन्ट टू परस्यू LLM? इससे पहले एक और क्वेश्चन कि आपका एम क्या है, लॉ करने के बाद क्या करना चाहती हैं आप? सो आई वॉन्ट टू गो इन टू लिटिगेशन ओनली, एडवोकेसी। ओके, सी स्पेसिफिक स्टूडेंट के लिए स्पेसिफिक एडवाइस वो ज़्यादा सही होता है। जैसे कि आपने क्लियरली बता दिया कि आपको करना है लिटिगेशन, करना है वकालत, LLM का कोई रिलेवेंस नहीं है। यदि आप ये कहती हैं कि आपको एकेडमिक्स में जाना है तो मैं कहता कि हाँ LLM करना चाहिए, रिसर्च करना है LLM करना चाहिए, क्योंकि LLM में आपको पढ़ाएंगे रिसर्च मेथड्स कैसे होते हैं, रिसर्च, ये तमाम चीज़ें। लेकिन यदि लिटिगेशन करना है तो LLM का कोई खास रिलेवेंस नहीं होता। मैं खुद किया हूँ LLM, मुझे पता है, एकेडमिक्स में जाता तो शायद इसका उपयोग होता, लिटिगेशन में ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आपको करना है तो आप कर सकती हैं, लेकिन इसका डिसीजन अभी मत लो, अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हो। मैं कहता हूँ लास्ट सेमेस्टर में डिसीजन लेना, लास्ट सेमेस्टर जैसे ही शुरू होगा ना फिफ्थ के बाद, उस समय डिसीजन लेना, तब तक बहुत कुछ सीख जाएंगे आप, ठीक है? तो वो एक अच्छा होगा डिसीजन, उसके बाद आप डिसाइड कर सकती हैं 2 साल वाला या 3 साल वाला या 1 साल वाला, 3 तरीके के LLM होते हैं, तो वहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। और यदि लिटिगेशन में ही जाने की इच्छा है तो ज़रूरी नहीं है, इसके बिना भी हो सकता है, ठीक है? और सो लाइक बहुत टाइम हम काउंटर करते हैं ये टर्म लीगल रिसर्च, सो व्हाट इज लीगल रिसर्च एंड हाउ कैन वी डू इट? लीगल रिसर्च मतलब वैसा रिसर्च जो लॉ से ताल्लुकात रखता है, उसको लीगल रिसर्च कहते हैं। रिसर्च मतलब ये हुआ कि जैसे आप समझिए इस बात को, यदि आपको कोई केस फाइल करना है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में,
तो हम जानते हैं कि वी फॉलो एडवर्सेरियल सिस्टम, है ना, जहां पे प्रेसिडेंट का बहुत वैल्यू होता है। प्रेसिडेंट का वैल्यू मतलब यह हुआ कि यदि आप पिटीशन को फाइल करेंगे तो आप अपने पिटीशन को इस तरीके से ड्राफ्ट करेंगे जिसमें से कई ऐसे जजमेंट्स को आपको कोट करना पड़ेगा जो माननीय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया हो, तभी तो आपका पिटीशन मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, क्योंकि हम तो प्रेसिडेंस पे ही चलता है हमारा जो एडवर्सेरियल सिस्टम है। हमारे बोलने से आपके बोलने से काम नहीं होगा। कोर्ट ने ऐसा यदि पहले कहा है तो क्या कहा है उसके लिए क्या करना होगा, हमें केसेस चाहिए, उस केसेस को साइड करना होगा। तो केसेस कहाँ से आएंगे, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, मशीन तो है नहीं मैडम, तो क्या होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, उसको ढूंढना पड़ेगा, वैसा केस को ढूंढना पड़ेगा जो हमारा केस, जो हमारा मैटर है उसमें सुटेबल बैठ जाता है, हमारे केस को असेस करता है, तभी तो हम फोर्स बना पाएंगे जज पे, जज साहब देखो इस केस में ऐसा हुआ था 10 साल पहले, 2 साल पहले ऐसा ही हुआ, तो ये वाला जो मेरा केस है ना इसमें भी ऐसा ही करो, तो क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे। अपोजिट पार्टी वाले वो भी रिसर्च करेंगे और जज साहब को बोलेंगे, जज साहब ये वाला केस देखो, इसमें ये वाला नहीं हुआ था, इसमें ये वाला नहीं हुआ था, तो इसमें भी ये वाला नहीं होना चाहिए। तो ये कैसे होगा, आपके बोलने से नहीं होगा, यू हैव टू कोट द जजमेंट्स। तो जजमेंट्स ढूंढने का जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, इसी को हम लीगल रिसर्च कहते हैं। तो वो सीख जाएंगे, इसके लिए बहुत आजकल तो बहुत सारे ऑनलाइन मीडियम हैं, बहुत सारा आजकल वेबसाइट है और ये सारी चीज़ें हैं, सारा कुछ एकोमोडेटिव है वहाँ पे। पहले जब हम लोग थे तब लाइब्रेरी में हम लोग सर्च करते थे, किताब ढूंढते थे, लेकिन अब चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो गई है थैंक्स टू सोशल मीडिया और ये इतनी सारी जो ऑनलाइन इंटरनेट और ये सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ से आप जो है कर सकते हैं लीगल रिसर्च। बड़ा इंटरेस्टिंग है और बिना लीगल रिसर्च के आप अच्छा वकालत नहीं कर सकते, ये चीज़ है। तो अच्छा क्वेश्चन है आपका और इसमें आप बहुत सारा स्कोप है, मैं बताऊंगा आपको कि कैसे करते हैं, डोंट वरी। अगला क्वेश्चन बताइए सर, क्रिमिनोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम आईपीसी एविडेंस एंड सीआरपीसी या इनका कंबाइंड ही क्रिमिनोलॉजी में आता है? बेसिकली क्रिमिनोलॉजी में हम जो क्रिमिनल एस्पेक्ट है सोसाइटी में, जो क्रिमिनल वाली चीज़ें जो होती है, क्राइम्स जो होते हैं उससे रिलेटेड जो भी लॉज हैं, जो भी जुरिसप्रूडेंस हैं, उन तमाम चीज़ों को हम क्रिमिनोलॉजी में पढ़ते हैं। अब आईपीसी तो सब्सटेंटिव है कि हाँ ये वाला चीज़ ऐसे होगा तो ये ऑफेंस होगा, यदि ए ने बी को शूट आउट कर दिया तो मर्डर हो जाएगा, या फिर उस तरीके से अलग अलग ऑफेंसेस हैं जिसको डिफिनेशन वहाँ पे दिया गया है, जिसका डिफिनेशन वहाँ डिफाइंड है। सीआरपीसी में प्रोसेस को, प्रोसीजर को बताता है, एविडेंस लॉ जो बताता है वो किस तरीके से एविडेंसेस उसमें दिए जाएँ, इस तरीके से। लेकिन क्रिमिनोलॉजी इससे बहुत बड़ा है, वो एक तरीके से मानिए अम्ब्रेला टर्म है और इसके अंडर ही ये सारी चीज़ें आती है। क्रिमिनोलॉजी में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कोई व्यक्ति क्राइम करता क्यों है, ये आईपीसी में इसका आंसर नहीं मिलेगा, सीआरपीसी में आंसर नहीं मिलेगा, एविडेंस में नहीं मिलेगा। लेकिन यदि क्रिमिनोलॉजी पढ़ेंगे, क्रिमिनल ज्यूरिसप्रूडेंस पढ़ेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति क्राइम क्यों करता है। तो ये जो पूरा पूरा होलिस्टिक जो सब्जेक्ट है उसको क्रिमिनोलॉजी कहते हैं। तो आगे सब्जेक्ट आएगा चौथे या पांचवें सेमेस्टर में दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आपको एक पेपर आएगा ऑप्शनल क्रिमिनोलॉजी, उसको पढ़िएगा तो फिर आपको समझ में आ गया सारी चीज़ें। तो जस्ट वेट फॉर, अभी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हुआ है, वेट फॉर 2-3 मोर सेमेस्टर, वहाँ पे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका सर, कैन लॉ स्टूडेंट विजिट कोर्ट्स, लाइक इफ आई वांट टू विजिट अ कोर्ट, कैन आई, एम आई अलाउड? यस, यू कैन विजिट एनी कोर्ट। कोर्ट क्या है, कोर्ट ओपन कोर्ट है, यू कैन विजिट एनी कोर्ट। तो जो लोअर कोर्ट है दिल्ली की बात यदि हम करें, तो लोअर कोर्ट में तो आप विजिट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई स्पेशल पास और इस तरीके की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से भी जा सकते हैं, वकील साहब के साथ जाएं तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप खुद से भी जा सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जा तो सकती हैं आप, लेकिन उसके लिए परमिशन लेना पड़ता है, किसी वकील के पास जाइए और उसके बाद वहाँ से परमिशन लीजिए। आपको यदि जाना हो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, मैं पास का इंतजाम करा दूंगा, आप आराम से जाइए, या फिर जब भी हमारा केस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में लगता है, यू कैन असिस्ट अस, ठीक है, वहाँ से आप चीज़ें सीख जाएंगी। और क्या क्वेश्चन है? ऐसे तो और नहीं है सर, बट लाइक एलएलबी के साथ में कोई और डिग्री या कोई और ऐसा कोर्स जो इसमें ऐड ऑन कर सके हम, जो इसको और प्रोडक्टिव बनाएं, तो ऐसा कोई कोर्स या कुछ है? तो एलएलबी करने से आपके पास समय बच रहा है क्या? नहीं बच रहा है, फिर भी आप दूसरा कोर्स करना चाहती हैं? देखिए, आपको यदि लिटिगेशन करना है, मेरा ये सजेशन रहेगा कि एक बार में एक ही काम करें। यदि आप कोई दूसरा कोर्स करेंगी जो कि ठीक है, आपको लग रहा है कि चलो डाइवर्स नॉलेज होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन फिर उसके लिए समय भी तो देना पड़ेगा। लॉ इतना वास्ट है कि आप समय कैसे निकालोगे, मैं तो कितना भी कर दो मैं समय नहीं मिल पाता। तो एज ए लॉ स्टूडेंट आपको तगड़े तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से लॉ को समझना है, थ्योरेटिकल पार्ट को समझना है, प्रैक्टिकल हो जाएगा कोर्ट में जब जाएंगे आप तो। लेकिन वही चीज़ जो आप लॉ को देती है उसको उस समय को यदि आप किसी दूसरे सब्जेक्ट में देती है, तो ये वाला जो चीज़ है वो हैम्पर तो करेगा किसी न किसी तरीके से, बैलेंस बनाना मुश्किल होगा। तो नॉर्मली मैं सजेशन यही दूंगा कि आप लॉ को अच्छे तरीके से पढ़ो, यदि समय बच रहा है तो और 2 बुक और ले लो उसी सब्जेक्ट का और उसको अच्छे तरीके से पढ़ो, 2-4 केसेस और पढ़ें, हर दिन तो नए नए केसेस आते रहते हैं, पूरा केस को पढ़ो, तभी आप एक अच्छा वकील बन सकते हैं। जब तक केसेस, लोग डरते हैं केस पढ़ने में, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, दूसरा शॉर्टकट है ही नहीं इस प्रोफेशन में, कोई शॉर्टकट नहीं है, तो शॉर्टकट नहीं लेना है। मेरा सेशन रहेगा कि दूसरे सब्जेक्ट को नहीं करें, उससे अच्छा है कि पहले लॉ पे ही और 2-4 केस एक्स्ट्रा पढ़ लें, हर एक टॉपिक में क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि आगे तो बनना वकील ही आपको, आपने स्वयं कहा है, तो इसी पे फोकस करें, एक ही चीज़ पर रहें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है,
और क्या प्रश्न? तो जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा ऑनलाइन से ऑफलाइन शिफ्ट हुआ, तो आईपीसी जैसे ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, बट स्टिल हम लोग ऑनलाइन के चक्कर में इतना ज़्यादा अच्छे से शायद टाइम नहीं दे पाए, तो सेकंड सेमेस्टर में क्या हमें वो लेफ्ट ओवर कंप्लीट करना चाहिए पहले, या सेकंड सेमेस्टर से ही स्टार्ट करना चाहिए? देखिए, ये तो ऐसा प्रॉब्लम है जो लगभग सारे स्टूडेंट्स जो भी हैं अभी आपके कॉलेज में, सब इसको फेस कर रहे होंगे। लेकिन मैं एक आपको बात बताता हूँ, पहले सेमेस्टर में 5 पेपर थे आपके, दूसरे में भी 5 हैं, तीसरे में भी 5 हैं, चौथे में भी 5 हैं, इस तरीके से आगे 5-5। अब बताइए कि 5 पेपर में जो चीज़ छूट गया है आपका, यदि आप उसको करने बैठ जाओगे तो अगला 5 पे छूटेगा। और आप कर रही थी एट द सेम टाइम यू वर आस्किंग कि हमें कोई दूसरा कोर्स कर सकते हैं कि नहीं। पहला सेमेस्टर का जो छूटा है उसको कवर करने का समय भी बड़ा मुश्किल से मिलेगा मैडम। तो सेकेंड सेमेस्टर में जो चीज़ें हैं उसको अच्छे तरीके से करो, और यदि समय बच जाए तो पहला सेमेस्टर का जो छूट गया है उसको अच्छे से कर लीजिए, ताकि सिंक्रोनाइज हो जाए, ताकि होलिस्टिक लर्निंग हो आपके पास। अदरवाइज आईपीसी ढंग से पढ़ा नहीं, सीआरपीसी, फिर एविडेंस, समझ रहे हैं, दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए जो छूट गया है ऑनलाइन में, चीज़ें नहीं क्लियरिटी यदि मिली है, उसको पूछिए, अपने टीचर से पूछिए, अपने दोस्तों से पूछिए, ठीक है। फिर भी यदि आपको लगता है हमसे पूछ लो, कोई इशू नहीं है, जितना भी हो पाएगा मैं स्टूडेंट्स का हेल्प करने का प्रयास करता हूँ, तो आप वो कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। और क्या प्रश्न है आपके? सो लाइक जब इंटर्नशिप्स करने की बारी आएगी तो देन हाउ विल फाइंड द इंटर्नशिप्स एंड वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम? वेल, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, और काफ़ी मुश्किल हुआ था जब हम लोग इंटर्नशिप करते थे कि जाएँ कहाँ। और दिक्कत हमारे साथ ये था कि मैं दिल्ली का तो हूँ नहीं, मैं बाहर से आया हूँ। आप कहाँ से हैं? यूपी सर, उत्तर प्रदेश। तो आप भी बाहर से आई हैं, तो जब बाहर से हम लोग आते हैं यहाँ पे तो हम लोग अनजान होते हैं, यहाँ कोई न जानने वाला ना कोई पहचानने वाला, तो उसमें क्या होता है, बड़ा लगता है पता नहीं किसके पास जाएँ और कौन रखेगा। तो इसमें हम क्या करते थे कि अपने आसपास के लोगों से पूछते थे, कोई वकील साहब हैं वहाँ पे जाकर के, कई सारे लोगों के पास गया, कई सारे ने आउटराइटली मना कर दिया, अपने कई सारों ने कहा कि आप सीवी बना करके भेजो, तो ये सारा चीज़ किया। पता नहीं सैकड़ों लोगों के पास मैं मेल किया कि मुझे इंटर्न रख लो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ये सारी चीज़। तो थोड़ा स्ट्रगल होता है। अब कई बार आप इंटर्नशिप करना शुरू भी कर दिया, क्या पता जो सामने वकील है वो ठीक ना हो, उसके पास रिक्विजिट नॉलेज ना हो, यू नेवर नो, वगैरह में भी तो अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। तो सही सीनियर मिले ये बहुत बड़ा चैलेंज है, खास करके वैसे लोगों के लिए जो हमारे जैसे हैं, जो दूर से यहाँ पे आकर के यहाँ पे करते हैं। लेकिन कर सकते हैं, हम भी वैसे ही किए हैं, जो 1500 किलोमीटर दूर से आकर के यहाँ वकालत कर सकते हैं, तो आप इंटर्नशिप तो कर ही सकती हैं, ऐसा नहीं है, तो हो जाएगा, डोंट वरी। इन केस कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, मुझे बताना, विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, लाइक शुड वी हैव अ बैकअप प्लान फॉर समथिंग, और लाइक आई एम ऑलमोस्ट फोकस्ड अबाउट लिटिगेशन ओनली, बट स्टिल शुड वी नीड टू हैव अ बैकअप प्लान और समथिंग? साइड से करने वाला प्लान कहते हैं ना कि हाँ, कोई पूछा कि क्या कर रहे हो भाई, तो मैं ये कर रहा हूँ और साइड से यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मुझे ये आज तक समझ में नहीं आया कि साइड से क्या होता है। मैडम, ये साइड के चक्कर में ना हमेशा साइड में रह जाते हैं लोग। एक चीज़ पे फोकस करो, यदि बैकअप प्लान भी रखना है तो एक ही सब्जेक्ट में रखो बैकअप प्लान। कैसे? आपका मेन प्लान है कि भाई एडवोकेसी करना है, वकालत करना है, बैकअप के लिए बोल दिया जाए तो बोलो ठीक है, जुडिशरी कर लेंगे, जज बन जाएंगे। बैकअप के लिए बोल दिया जाए तो बोल सकते हैं कि हम लीगल एडवाइज़र बन जाएंगे किसी कंपनी में। सारा बैकअप ही है, लेकिन एक ही चीज़ से रिलेटेड है। ऐसा नहीं कि कोई यूपीएससी कर रहा है, कोई बीपीएससी कर रहा है, कोई एमपीएससी कर रहा है, कोई एसएससी कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, इसको बैकअप प्लान नहीं बोलते, ये डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो ऐसा डिस्ट्रैक्शंस नहीं रखना है, एक ही सब्जेक्ट में आपको यदि बैकअप रखना है तो अलग अलग रख सकती हैं, नॉट अदरवाइज। तो अपने माइंड को उस तरीके से आप बना लीजिए। और कोई प्रश्न है? नहीं सर, बस हो गया, थैंक यू जी। इतने ही प्रश्न थे आपके? अभी तो इतना ही आया है जी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया? जी बिल्कुल। कुछ समझ में आया नहीं आया? सारा आ गया। इम्प्लीमेंट करेंगे आप? बिल्कुल। सेकंड सेमेस्टर ठीक से पढ़ेंगे आप? हाँ, बहुत अच्छे से। तो ठीक है, अच्छा लगा आप यहाँ पे आए, इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहें, मेरी शुभकामनाएं, माय वेल विशेस, और खूब मेहनत कीजिए इस प्रोफेशन में। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकती हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिए, ठीक है। कोई भी समस्या होगा तो आप मुझे ज़रूर बताना, बाकी फिर मिलते हैं फिर से। और अपने दर्शकों को मैं बताऊं कि आपके पास भी यदि कोई प्रश्न है जिसका आंसर आपको नहीं मिल रहा है, आप ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, कोशिश करेंगे कि उस पर्टिकुलर कमेंट पे हम ज़रूर आपसे बात करें, और आपका जो मोटिवेशन है वो हमेशा बना रहे, और इस प्रोफेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग, कॉम्पिटेंट लोग आएँ, ताकि इस प्रोफेशन को आप और एक नई ऊँचाई तक ले जा सकते हैं। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।